हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। एपी गर्ल पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफर नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। युवक पर गोली चलाने का आरोप, बाल बाल बचा। सिसाना गांव में एक युवक के घर पर कई युवक पहुंच गए, जिनमें से एक युवक ने उस युवक पर गोली चला दी, लेकिन वह बाल बाल बच गया। सिसाना निवासी भरपूर ने बताया कि वह अपने छोटे सुखपाल व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर पर मौजूद था। घर के सामने से कुछ युवकों की सुखपाल को पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने घर का दरवाज़ा खोला तो 5 युवक उसके घर के सामने खड़े थे, जिनमें से एक युवक ने अपने चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ था। जब वह युवकों से बातचीत कर रहा था, उसी दौरान उसका भाई सुखपाल घर से बाहर आ गया। इतनी देर में नकाबपोश युवक ने पिस्तौल निकालकर उसके भाई पर गोली चला दी, जिससे वह बाल बाल बच गया। गोली चलाने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। सभी युवक जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। गुरुकुल वाली गली में गंदगी बनी आफत, नगर पालिका के दावे यहाँ फेल। महिलाएं बोली, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही, बच्चे रोजाना कीचड़ से गुजर रहे, कईयों को लग चुकी है चोट। खरगोदा शहर में नगरपालिका की अनदेखी के कारण गुरुकुल वाली गली की हालत बद से बदतर हो गई है, जिससे गली वासियों में नगरपालिका के प्रति गहरा गुस्सा उमड़ रहा है, क्योंकि लोगों को उनके घर तक पहुंचने में भी जोखिम उठाना पड़ रहा है। कन्या गुरुकुल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जाने का भी अहम रास्ता है, जहाँ कीचड़ व नालों का पानी गली में घरों तक पहुँच गया है, जिससे राहगीरों का निकलना दुभर हो चुका है। अभिभावक बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं तो कई बार बच्चे व अभिभावक भी फिसल कर गिर चुके हैं और उन्हें चोट भी लग चुकी है। निकासी व सफाई के लिए नगरपालिका को कई बार शिकायत दे दी गई है। भाजपा प्रत्याशी को शिकायत दी थी, लेकिन नगरपालिका ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। महिलाओं का नगरपालिका पर आरोप है कि नपा निरंतर भारी भरकम टैक्स तो वसूल रही है, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं दे रही, जिससे छात्रों व बस्ती वासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कन्या गुरुकुल स्कूल प्रिंसिपल सीमा का कहना है कि नगरपालिका को कई बार शिकायत दी गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। गली का सुधार होना चाहिए ताकि बीमारियां ना फैलें। उधर नपा सचिव संदीप कुमार का कहना है कि दिल्ली मार्ग पर निकासी की कार्यवाही की जा रही है, जल्द ही गुरुकुल वाली गली में भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। आते जाते बच्चों पैर दसाजी रिपीट का पड़ जाएगी, चोट लग जाएगी, चाहे कुछ हो जाए, गली में इतना खर्चा हो जाएगा। हम लोग कहना चाह रहे थे हमारे बार में आगे तो बहुत अच्छा होना चाहिए स्कूल है, और देखो मेन रोड दिल्ली का, ये इतना पानी भरा, हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं बच्चे, मच्छर काट काट के हम तो कभी बुरा हाल कर रखा है। देखो इतना गंदा पानी अगर रहेगा, आएगा मकान तो छोड़ के चले जाए, तो घर का मकान हो कि जाएंगे। वीर फाउंडेशन द्वारा आर्यवर्त नारी शक्ति टीम व रेड क्रॉस सोसाइटी सोनीपत के सहयोग से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए सापला मार्ग पर स्थित हेल्टी स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ स्वर्ण पदक विजेता 102 बार रक्तदान कर चुके पूर्व जिला प्रशिक्षण अधिकारी धर्मवीर दहिया, शतकवीर रक्तदाता, कांस्य पदक विजेता कमांडो आशीष दहिया व आर्यव्रत नारी शक्ति टीम के संस्थापक सामाजिक कार्यकर्ता पारुल दहिया ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में सम्मिलित रक्तदाताओं को फाउंडेशन चेयरमैन अनीश दहिया ने भी रक्तदान किया और रक्तदाताओं को सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य सुमित राणा ने विद्यालय के स्टाफ व अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को रक्तदान से होने वाले लाभों के प्रति जागरूक करते हुए रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। शिविर में डॉक्टर भानु के नेतृत्व में सामान्य अस्पताल सोनीपत की टीम, लैब टेक्नीशियन भुनेश, विकास अशोक, काउंसलर मोनू, स्टाफ नर्स सुमन लता, एसटीएस रीना सुरेंद्र द्वारा रक्त संकलन किया गया। इस शिविर में 8 महिलाओं मनीषा शीतल विजेता, ममता काजल, कविता वेनु, ऋतु जाखड़ सहित धम्मल फौजी पीपली ने अपने पुत्र संजू के जन्म दिवस पर 125वीं बार और पुत्र संजू ने तीसरी बार मोहित खोखर, सुरेंद्र थाना, विजेंद्र झांगड़ा, अजीत बाल्यान, अमित आर्य, डॉक्टर आशीष कुमार सहित 62 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। सोनीपत सीट का मुकाबला रोमांचक होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ब्राह्मण को ही टिकट देने की चर्चा जोर पकड़ चुकी है और लगभग उनका नाम फाइनल माना जा रहा है। अब बात करते हैं कि निर्णायक वोट कौन से होंगे। अगर बात करें तो सोनीपत लोकसभा सीट में करीब 6 लाख से अधिक मतदाता हैं, लेकिन अगर जाट उम्मीदवार को टिकट मिलता है तो निर्णायक वोट ओबीसी बन जाता है। अगर अब
जाट को टिकट नहीं मिलता तो निर्णायक जाट वोट बेल्ट वोट बन जाते हैं। ये एक सोनीपत की स्थिति बन गई है। अब अगर कांग्रेस भी ब्राह्मण को ही टिकट देकर मैदान में उतारेगी तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में टक्कर होने की पूरी संभावना है और जाट जो मतदाता हैं 6 लाख से अधिक जो मतदाता हैं उन पर डिपेंड करेगा कि वे किस पाले में जाते हैं, वही उम्मीदवार जीत दर्ज करे। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस इसका नुकसान झेल चुकी है। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व सीएम हैं वो मैदान में थे और भाजपा की तरफ से ब्राह्मण मैदान में थे रमेश कौशिक जी, और उनकी मुकाबला हुआ, टक्कर हुई, लेकिन चुनाव जाट गैर जाट का हो गया जिसके चलते ब्राह्मण को जीत दर्ज मिली। अब कांग्रेस इस तरह का फॉर्मूला नहीं लगाना चाहती, इसीलिए कांग्रेस ने ब्राह्मण की टक्कर में ब्राह्मण को ही उतारने का प्लान तैयार कर लिया है और लगभग फाइनल भी हो चुका है। जींद की तरफ से ब्रह्मचारी को मैदान में उतारने की पूरी चर्चा है ताकि ये चुनाव जाट नॉन जाट ना हो। और इस चुनाव की एक बात और खास रहेगी कि अगर दोनों टिकटार्थी ब्राह्मण हो जाते हैं तो निर्णायक वोट जाटों के होंगे, 6 लाख से ज़्यादा वोट हैं। जिस तरफ जाटों का दबदबा रहेगा वही उम्मीदवार चुनाव में जीत दर्ज करेगा। कांग्रेस यह फॉर्मूला इसलिए भी लेकर आना चाह रही है क्योंकि कांग्रेस भी नहीं चाहती कि कोई भी चुनाव लोकसभा का जाट और गैर जाट के बीच लड़ा जाए, क्योंकि उसका नुकसान सीधा सीधा रोहतक की सीट पर भी पड़ता है, क्योंकि रोहतक सोनीपत दोनों ही सीटें जाट प्रभावी क्षेत्र की सीटें हैं। इसीलिए कांग्रेस इस बात को ध्यान में रखकर ही पंडित जो ब्राह्मण उम्मीदवार को ही चुनाव मैदान में सोनीपत से उतारना चाह रही है ताकि रोहतक और सोनीपत की सीटें दोनों ही सेफ हो जाएं और दोनों सीटें वो जीत सके। महेंद्रगढ़ की कनीना में बीते सप्ताह कई स्कूल बच्ची की मौत होने की बात जागी। प्रशासन की तरफ से लगातार स्कूलों में चलने वाली बसों पर सख्ती बरती जा रही है। इससे लेकर सोनीपत जिले के खरखुदा में भी सोमवार को स्कूल बसों की जांच की गई। शिक्षा अधिकारी सुजाता खत्रे की अगुवाई में क्षेत्र के विभिन्न गांवों में स्कूलों की बस की जांच की जा रही है। कुछ देर बाद शहर के लघु सचिवालय में भी बुलाई गई स्कूल बसों की भी जाँच को अंजाम दिया जाएगा और उनमें खामियां मिलने पर संबंधित स्कूल संचालक के खिलाफ कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा। क्षेत्र में स्कूल बसों के नाम पर ऐसे वाहन में विद्यार्थियों को लाया और ले जाया जा रहा है जो मानकों पर खड़े नहीं उतरते। वहीं जो वाहन नियम के अनुसार विद्यार्थियों को लाने और ले जाने में प्रयोग किए भी जा रहे हैं उनमें भी खामियां हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग की तरफ से क्षेत्र के स्कूल वाहनों की जाँच करने का काम शुरू किया गया है। सोमवार को खरखुदा में खंड शिक्षा अधिकारी सुजाता खत्रे की अगुवाई में स्कूलों के वाहनों की जाँच का काम शुरू किया गया है जो अभी हमें कई दिनों तक जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि गांव व शहर के स्कूल बसों की जांच की जा रही है। जांच में पाया गया कि सहरी गांव के अमर स्पोर्ट्स स्कूल संचालक द्वारा स्कूल वाहन के कागजात नहीं दिखाए गए, ऐसे में उस पर कार्यवाही के लिए एसडीएम खरखुदा को लिख दिया गया है। वहीं खांडा के आर्यव्रत स्कूल की एक बस चलने लायक नहीं थी, ऐसे में उसे सड़क पर न उतारने की सख्त चेतावनी दे दी गई है, आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। द स्टैनफोर्ड स्कूल थानाखुर्द खरखुदा सीबीएसई एफिलियेटेड प्री नर्सरी टू 12th, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एट अफोर्डेबल फी, 5 acres ऑफ लश ग्रीन कैंपस, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए द स्टैनफोर्ड स्कूल थानाखुर्द में दाखिला कराएं। प्रताप गर्ल्स स्कूल सापला रोड खरखुदा, खरखुदा से छात्राओं के लिए फ्री बस सुविधा, विद्यालय में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी सुविधा, आधुनिक क्लासरूम, प्रशिक्षित टीचर स्टाफ, हाईटेक सभी लेबोरेटरी सुविधा, छात्राओं के लिए खेलने की उचित सुविधा, नई शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल में दाखिला कराएं। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखुदा, लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स, नेचर अबंडेंट कैंपस, डे स्कॉलर, डे बोर्डिंग फैसिलिटीज, सीनियर एंड वेल क्वालिफाइड अकेडमियन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बेस्ड करिकुलम, स्मार्ट क्लासेस, लैंग्वेज लैब, एक्सलेंट टीचर्स, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर। खरखुदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरखुदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।